बिहार के हाजीपुर में कपड़े के दुकान में लगी भीषण आग, धुआं में दम घुटने से दो की मौत, एक घायल। बिहार के वैशाली जिले के हाजीपुर में मार्केट कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लगी। मार्केट कॉम्प्लेक्स के निचले तल्ले पर आग लगने से कपड़े की दुकान जलकर खाक हो गया। अग्निकांड में दम घुटने से मां बेटे की मौत हो गई है, वहीं एक युवक घायल हो गया है। आग में झुलसने से कॉम्प्लेक्स के मालिक घायल हो गया है, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग लगने से घंटों अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। देखते देखते आग पूरा मार्केट कॉम्प्लेक्स को अपने आगोश में ले लिया। आग लगने की सूचना पर पुलिस प्रशासन पहुंचा और पूरे मामले को नाकाबंदी करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में 11 फायर ब्रिगेड की दमकल बुलाया गया। आग पर काबू पाने के लिए पटना और मुजफ्फरपुर से भी फायर ब्रिगेड का दमकल को बुलाया गया। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस दौरान लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गया। आग लगने के बाद हाजीपुर के हृदय स्थली राजेंद्र चौक स्थित सिनेमा रोड में घंटों अफरा तफरी का माहौल कायम रहा। लोगों की भारी भीड़ जमा हो गया। आग बुझाने के लिए स्थानीय पुलिस के साथ साथ फायर ब्रिगेड SDRF की टीम भी मौके पर बुलाया गया। SDRF की टीम ने आग में फंसे एक युवक को बेहोशी की हालत में निकाला गया, जबकि कॉम्प्लेक्स मालिक बंटी कुमार के बड़े भाई विकास कुमार और उसके मां सुनीता कुमारी की दम घुटने से मौत हो गई। इस भीषण आग लगने के पीछे क्या कारण है, इसका अब तक पता नहीं चला है, लेकिन आशंका जताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के वजह से लगी होगी। आग लगने की सूचना 10:22 में मिली। हम लोगों ने वहां से फायर स्टेशन से गाड़ियां भेज दिया, फिर उसके बाद मालूम हुआ कि एक दो लोग शायद ऊपर फंसे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म पटना से डीजी फायर एंड होमगार्ड मैडम को हम लोगों ने फोन किया, वहां से उन्होंने भेज दिया। फिर मानार फायर स्टेशन से गाड़ियां आई, दो गाड़ी महुआ फायर स्टेशन से आई, दो गाड़ी मुजफ्फरपुर से आ रही है, बाकी छोटी मिस के लोगों की गाड़ियां हैं उसका भी हम लोग उपयोग कर रहे हैं। उसकी गिनती हम लोग नहीं कर पाए कितनी गाड़ियां कहां से आई हैं। बाकी बड़ी गाड़ियां 3, 2, 5, 1, 6, 3, 9, 2, 11 हैं। कैसे आग लगी, कहां पे आग लगी जी सर? अब ये अभी फिलहाल पता नहीं चल पाया है, क्योंकि अभी हम लोग रेस्क्यू और बुझाने में लगे हैं, उसका कारण हम लोग ढूंढ रहे हैं। फिर जो मार्केट है या फिर जो बिल्डिंग के ओनर हैं उनसे पता करके हम लोग बताएंगे। आग नीचे लगी थी और ऊपर चली गई? हाँ, आग नीचे लगी थी और ऊपर गई है। अंदर में कितने लोग फंसे होंगे? अभी ये एक लोगों के मिसिंग की सूचना ये लोग दे रहे हैं, जिनको अभी हॉस्पिटल भेजा गया है, और फिलहाल अभी झुलसा भी है इसमें? नहीं, झुलसा कोई नहीं है। अभी क्या रेस्क्यू चल ही रहा है? अभी रेस्क्यू चल रहा है, रेस्क्यू चल रहा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं रेस्क्यू चल रहा है। हमारे हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म से भी फायर के जो लड़के हैं वो जा करके रेस्क्यू कर रहे हैं, बुझाने का काम कर रहे हैं, और हम लोग लगे हुए हैं। फिर विशेष जो होता है फिर हम लोग अपने लोग अभी भी अंदर आग अभी काबू में आया नहीं है, लेकिन बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें 3 आदमी फंसे हुए थे, एक आदमी को पुलिस के सहयोग से जिंदा वापस निकाल लिया गया, वो सही सलामत है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, और दो व्यक्ति झुलसे हुए हालत में, एक महिला उनको भी ऐसा हॉस्पिटल परमात्म के लिए भेजा गया। अभी आग बुझाने का प्रयास किया ही जा रहा है। एक आदमी और जो उसमें फंस रहे थे निकलने के करेंगे, उनका हाथ भी लग गया, वो सुरक्षित हैं, उनका भी इलाज हो गया, अभी वो भी हॉस्पिटल में इलाज रहे थे। और कोई फंसे हुए हैं क्या अंदर में सर? जैसा कि घर वालों लोग बताए हैं उस हिसाब से कोई फंसा हुआ नहीं है, और आग पर काबू पाने के बाद अंदर में तलाशी लेने के बाद ही और पता चल पाएगा कि क्या हुआ है। अभी हम लोग दीवार तोड़ करके जितना संभव सा प्रयास किया, उसमें 2 व्यक्ति का मिला है, सब निकाला गया है और प्रयास किया जा रहा है। 2 व्यक्ति का डेथ हो गया है, 2 व्यक्ति का